7 सितंबर को राहुल गांधी का वो देखा हुआ ख्वाब आज वाकई ही पूरा हो गया। चाहते हैं कि मतलब ऐसी गवर्नमेंट यहाँ पर जो जुल्म को खत्म करे, खासकर जो नफरत, खासकर जो मतलब कम्युनल पॉलिटिक्स जो यहाँ पे है वो पूरी तरह से यहाँ खत्म हो जाए। क्योंकि कांग्रेस वाहिद ऐसी पार्टी है जो डेमोक्रेटिक सिस्टम को स्ट्रेटन करना चाहते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम को रेस्टोर करना चाहते हैं, इनको बिल्कुल इंडिपेंडेंस देना चाहते हैं। आज आखिरी दिन नहीं है इस यात्रा का, इसका कल आखिरी दिन होगा कन्याकुमारी से नफरत खत्म करने की और प्यार मोहब्बत की दुकान बांटने के लिए वादी कश्मीर आए राहुल गांधी। कश्मीर से जो महात्मा गांधी ने किरण 1947 में देखी, आज दोबारा यहां से वो किरण पूरे हिंदुस्तान में फैलेगी और बीजेपी को अपना बोरिया बिस्तरा गोल करके यहां से निकलना पड़ेगा। हिस्टोरिकल घंटाघर के सामने हम सामने खड़े हैं जहां पर आज हजारों की तादाद में लोग जुड़ चुके हैं। और सुसाइड्स कर रहे हैं हमारे बच्चे, ड्रग्स में जा रहे हैं हमारे बच्चे, यह तफरुका है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में। 35 लाख से ज्यादा बेरोजगार हैं, कौन जवाब देगा? इसलिए जो आज यात्रा ये निकली है इसकी भरपूर हिमायत हम करते हैं। यहाँ कश्मीर में हम राहुल जी के साथ हैं, हम कांग्रेस के साथ हैं। कांग्रेस ऐसी भी पार्टी, वाहिद शख्सियत पार्टी है कि जिन्होंने मतलब पिछले इंडिपेंडेंस के साथ जो हमेशा एक कनेक्टिविटी जो हमने पैदा किया है वो बरकरार रहना चाहिए। जब राहुल जी ने कल काजीगुंड में उन्होंने कदम रखा है, लाखों की तादाद लोगों ने उनको इस्तकबाल किया है। भाजपा वालों को कल हवा निकल गया है, पूरे हिंदुस्तान को भाजपा वालों को हवा निकल गया है जब लाखों की तादाद लोगों ने उसको इस्तकबाल किया है। मैं दिल की उम्मीद गहराई से लोगों को मुबारकबाद दे रहा हूँ। कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, बीडीपी जिंदाबाद, बीडीपी जिंदाबाद, नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत जोड़ो यात्रा, यहाँ का हर एक बच्चा बच्चा, क्योंकि ये हेट्रेड की पॉलिटिक्स को नकार रहा है, कम्युनल पॉलिटिक्स को नकार रहा है। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि कश्मीर से जो महात्मा गांधी ने किरण 1947 में देखी, आज दोबारा यहाँ से वो किरण पूरे हिंदुस्तान में फैलेगी और बीजेपी को अपना बोरिया बिस्तरा गोल करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। डेमोक्रेटिक सिस्टम को स्ट्रेटन करना चाहते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम को रेस्टोर करना चाहते हैं, इनको बिल्कुल इंडिपेंडेंस देना चाहते हैं। राहुल जी एक युवा होप है हमारे लिए, राहुल जी ने बहुत सारे इकदाम किए इसके लिए, भारत जोड़ने की बात की। बहुत सुनने यहाँ कश्मीर में, हम राहुल जी के साथ हैं, हम कांग्रेस के साथ हैं। कांग्रेस ऐसी भी पार्टी, वाहिद शख्सियत पार्टी है कि जिन्होंने मतलब पिछले इंडिपेंडेंस के साथ जो हमेशा एक कनेक्टिविटी जो हमने पैदा किया है वो बरकरार रहना चाहिए। 7 सितंबर को राहुल गांधी का वो देखा हुआ ख्वाब आज वाकई ही पूरा हो गया। कन्याकुमारी से शुरू हुई थी यह यात्रा, वादी कश्मीर में इख्ताम पजीर हुई जहां पर घंटाघर पर राहुल गांधी ने झंडा लहराकर इस यात्रा को आखिरकार इख्ताम पजीर कर ही दिया। हालांकि आज आखिरी दिन नहीं है इस यात्रा का, इसका कल आखिरी दिन होगा जब यात्रा यहां पर पहुंचकर राहुल गांधी वहां के लोगों के साथ बातचीत भी करेंगे और एक बड़ी रैली के साथ बातचीत होगी। देखना यही होगा कि राहुल गांधी यहां से निकलने के समय वादी कश्मीर के लोगों के लिए क्या कुछ देकर निकलेंगे। कन्याकुमारी से नफरत खत्म करने की और प्यार मोहब्बत की दुकान बांटने के लिए वादी कश्मीर आए राहुल गांधी। आखिरकार यही देखना होगा कि वाकई क्या वादी कश्मीर के लोगों को वो प्यार और मोहब्बत दे पाएंगे कि नहीं।
हिस्टोरिकल घंटाघर के सामने हम सामने खड़े हैं, जहां पर आज हजारों की तादाद में लोग जुड़ चुके हैं और उनकी इस भीड़ भाड़ के सामने जो है राहुल गांधी ने मुल्क का परचम लहराकर ये दिखा दिया कि कांग्रेस अभी टूटी नहीं है। कैमरामैन सुहेल के साथ लाल चौक से मैं वैली ऑनलाइन के लिए बेग इरशाद। भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो।